ही राज को बचाया वही क्षत्रिय है, वही योद्धा है। हमारे यहां कर्म से जाति तय होती थी, जाति वो जाति नहीं जिस जाति का खेल आज हो रहा है। अगर कोई ब्राह्मण डॉक्टर है और कोई दलित डॉक्टर है और दलित के हाथ ज्यादा साफ है तो वही अच्छा डॉक्टर है। कहां लिखा हुआ था, किस किताब में लिखा हुआ है कि मां के पेट से पैदा होने वाला ब्राह्मण ब्राह्मण होगा, ठाकुर ठाकुर होगा? जब सेना का सैनिक बॉर्डर पे मारा जाता है आपको कवर करते हैं, आप बताइए कि जब आपके शहर जम्मू से उसकी डेड बॉडी निकलती है तो किसी माई के लाल ने आज तक ये पूछा हो कितना भाई ये यादव था क्या, ये ब्राह्मण था? किसी ने पूछा? हमारे सब कॉन्शियस में है लेकिन उसको दबा दिया गया। हम यही कहते हैं भारत का सैनिक वीर गति को प्राप्त हुआ है, उसकी जाति नहीं ढूंढते हम। कुछ लोग हैं जो जाति का भी प्रमाण मांगते हैं, हमने पाकिस्तान में स्ट्राइक की थी कि नहीं की थी उसका भी मांगते हैं। कुछ लोग पैदाइश ही मांगते हैं, उन्होंने कभी अपने पिताजी से यह नहीं पूछा कि पिताजी तुम ये प्रमाण दो कि तुम मेरे पिता हो, यह कैसे पता चले? आप जानते हैं भारतीय सनातन संस्कृति की ताकत बता दो, आपको दुनिया की किसी साइंस की जरूरत नहीं। ये सिर्फ हमारी सभ्यता है जिसमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। आपका किन से टकराव हो रहा है? जिनके यहां कंसेप्ट ऑफ मैरिज ही नहीं था, आप उनको फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहां शादी 7 फेरों के बाद जन्मों का संबंध होता है। इस्लाम में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होती है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट से निकले तो वो जो पैसा आपने मेहर के नाम पे दिया है वो वापस करना है। और तीसरे जो है अंकल सैम, उनकी यहां तो होती नहीं थी। उनके यहां एक युवा लड़के और एक लड़की का मिलन और उस मिलन से उत्पन्न होने वाली औलाद क्या कहलाती थी, क्या कंसेप्ट था उनके यहां? उनके यहां उस दौरान एक युवा एक लड़की मिले और उससे अगर कोई संतान पैदा हो जाए उस संतान को स्टेट पालती थी, और स्टेट ने ऐसे बड़े बड़े हॉल बना रखे थे अपने यहां। आप इतिहास पढ़िए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं नहीं बात कह रहा हूं। ऐसे ही बड़े बड़े हॉल बनते थे और कमाल देखिए, ये हम थे, हमने दिए सभ्यता। हमारे कपड़े फट गए, हम थोड़ा सा अंग्रेजी नहीं जानते तो हमारी सभ्यता कमजोर नहीं हुई, इतने हम इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार नहीं है। लेकिन ये भरा गया उस हॉल के बाहर बच्चों के वो क्या रैंप रख दिया जाता था, उन नाजायज औलादों को उस हॉल के बाहर लोग छोड़ के चले जाते थे। और क्या कमाल का कंसेप्ट निकाला हमारी सभ्यता में, हमारी परंपरा में, हमारे सलाहकारों में, एक बहन हमारी जब किसी से शादी करती है तो उसकी पत्नी बनती है, किसी की भाभी बनती है, एक संस्कार की बात ही बनती है। आप सड़क पर चलते किसी को कहते हो भाभी मारे की पलट के, नहीं कहते हो ना? और जब वो बहन हमारी किसी शिशु को जन्म देती है तब वो मां बनती है, इस प्रोसेस के बाद वो मां बनती है, राइट? उस हॉल के बाहर जो डलिया रखी होती थी उसमें वो लोग अपने उस बच्चे को छोड़ जाते थे, और स्टेट का काम होता था कि सुबह दरवाजा खुलेगा उस हॉल की व्यवस्था के लिए एक पुरुष और एक महिला को रखा जाता था कि तुम्हें इनको देखना है और इसमें आने वाला खर्चा स्टेट देगी, राइट? हमारी बहन तो पहले शादी करे, फिर भाभी बने, फिर मां बने, तब उसको मां कहा जाता। एक प्रोसेस है, मां फ्री में नहीं मिलती बाजार में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इस हॉल की व्यवस्था देखने वाला जो पुरुष है वो फादर है और जो महिला रखी गई है वो मदर है। अब वो मदर और फादर उस नाजायज बच्चे को जहां रखते थे उस जगह को कॉन्वेंट कहा जाता था। और आपको पागलपन क्या सूझा कि मैटोले ने कहा कि अगर गुरुकुल को ध्वस्त करना है जो इनकी पूरी
रचना सामाजिक व्यवस्था को बनाता है, ताने बाने को बनता है। वहां माँ अलग है, पिता अलग है, बाप अलग है, बेटे की जिम्मेदारी, माँ के सबके काम बटे हुए थे। उसने उसको छिन्न भिन्न किया और पहला गवर्नमेंट स्कूल बंगाल में खोला और भूखे नंगे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को, जो बात हमारे ऋषि मुनि को बतानी चाहिए थी, जो हमारे हमारे पूजा पाठ करने वालों को बतानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं बताई। और पहली बार इस बात की अभी भी कल अगर यहां अनाउंस हो जाए ना कि पांच जूते मारे जाएंगे, जो जल्दी पांच जूते खा लेगा उसको नौकरी मिलेगी, लड़ जाएंगे हम, माफ कीजिएगा हम इतने गिरे हुए लोग, कोई कहेगा अपने भगवान को गाली तो होगी, देखे नौकरी तो मिलेगी, नौकरी के पीछे मरे जा रहे हैं। क्या जिन पे नौकरी नहीं वो जिंदा नहीं है? क्या सबको नौकरी मिल जाती है? आप सोचो कि आप गवर्नमेंट में अपने बच्चे को पैदा होने से पहले रिजर्वेशन करा रहे हो, आपको क्या पागल पर सोच गए? और उस बच्चे के साथ जो आप अनाचार कर रहे हैं अनकॉन्शियसली, वो आपको समझ ही नहीं आ रहा है। वो बच्चा मुंह धोया 5 साल का, मां सुबह उठी उसको तैयार किया बस में डाल दिया, पिताजी उसके बाद उठे, जब वो सो के ऑफिस स्कूल चला गया तब पिताजी ऑफिस चले गए, जब ऑफिस से आए तो वो सो गया। अब वो बच्चा 8 घंटे तक उस गवर्नमेंट स्कूल में मदर फादर, मदर फादर, अब घर में मां कह रही है ये फादर है, वो कंफ्यूजन में 5 साल करते ये वाला ये वो वाला उसको बाकी तो पता नहीं कि मदर तो वहां भी थी, मदर यहां भी थी। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो 8 घंटे करती, ये काम नहीं देती, ये तो सास भी कहू बहू देखती है। उसको लगने लगा ये जो मदर कह रही है यही अंतिम है, उस मदर ने कुछ इसे और समझा दिया। अब आप कहते हैं बच्चा बिगड़ गया, आपने बिगड़ा, आप इतने बड़े बड़े बिल्डिंगें बना रहे हैं, आप एक गुरुकुल नहीं बना सकते थे क्या? क्या आपको गुरुकुल के लिए आचार नहीं मिल सकते थे क्या? क्या कोशिश की किसी धनाढ्य लोगों ने? आपने अपने पैसे से शिक्षा की दुकानें खोली हुई है, मठ मंदिरों से जो उनको मिलना चाहिए था वह उन्होंने कह दिया प्रसाद और मंत्र गालो बस खत्म, क्योंकि उसको भी कुछ पता नहीं है कि ये पर्टिकुलर मंदिर क्यों बना है, क्योंकि हमने कमाने के धंधे में मंदिर खोल रखे हैं। ये जो हमारे यहां ज्योतिर्लिंग है इसको तो सभी लोग गए, ये ज्योतिर्लिंग की साइंटिफिक वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको, आप जाके तय करिए देखिए 10 बातें। ये ज्योतिर्लिंग जहां जहां बने हुए हैं, आज के बच्चों से पूछिए रेडियो एक्टिव क्या होता है, ये जो रेडियो एक्टिव की रेखा आपके जमीन के नीचे से निकल रही है, आपके उस वक्त ऋषि मुनि को हजारों साल पहले पता था, लेकिन उसको ये नहीं पता इसको रेडियो एक्टिव कहते हैं, लेकिन उसको अपनी भाषा में कुछ पता था। सारे ज्योतिर्लिंग उस रेडियो एक्टिव जहां जहां से पास हो रही है एक खास डिस्टेंस के साथ वहां पर ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है, ताकि उस एनर्जी का फ्लो उसमें आ जाए। इसलिए ज्योतिर्लिंग पे पानी कंटिन्यूस डाला जाता है, हीट ना हो जाए, यहां से लेके कामाख्या तक यही है। लेकिन हमको बता दिया बस पूजा करने से, फूल चढ़ा दो ये कर, हमने मतलब जिसे कहते हैं कि मैं क्या बोलूं कि आप कहां से चले थे कहां, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि आप लोगों को बताते, आप सनातन शुद्ध साइंस के ऊपर कुछ और है ही नहीं। दुकानें खोलने के लिए वो बैठ गए आजकल, एक वो आए थे कहीं शिरडी फिरडी से आए हैं, उनकी दुकान चल रही, और हम अपनी मन्नत के हिसाब से भगवान बदलते हैं, ये नहीं ना यहां चले, ये नहीं यहां चले जाओ, पिता को बदल लो एक दिन, पिता गरीब है बदल लो ना उसको, मां गरीब उसको बदल के दिखाओ, अगर तुम मर्द हो तो, अगर तुम भगवान को बदल सकते हो तो, तुम कमजोर और डरपोक और लालची लोग हो इसलिए ऐसा करते हो। उनकी आसमानी किताब किस कोरियर कंपनी से आई किसी ने देखी नहीं है, लेकिन कहते हैं यकीन है उनका, मैं ईमानदार मानता हूं, उनका यकीन है भाई, उस यकीन में आपका कोई दखल नहीं है, आप जो यकीन करते हैं उसमें भी आपको उसको मानते नहीं, आप अपनी स्वार्थ सिद्धि और प्रॉफिट लॉस पे चीजें तय करते हैं, इसलिए इतने देवता चार वेद ये और सब कुछ आपने छोड़ दिए और हरी चादर पे सर मार रहे हैं आप अजमेर पे जाकर के, वो देगा आपको, वो जो अगर कुछ देता तो मरता क्यों, मरा हुआ आदमी आपको देगा, सिंपल बात है। इसलिए मजहब पैदा होते हैं, कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ, कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ, कोई उससे पहले यहूदी पैदा हुए, सनातन कब पैदा हुआ,
जब आप अनादि कहते हैं तो इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी लाखों लाखों करोड़ों साल, मुझे नहीं पता। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब से सनातन है, और जब ये ब्रह्मांड नष्ट होगा उस दिन सनातन समाप्त होगा। और साइंटिफिक बात है, सनातन कोई पूजा पाठ नहीं है। मंदिर बहुत बाद में आए, न सनातन का कोई पैगंबर है, न सनातन का कोई प्रॉफिट है, कोई नहीं है।